नमस्कार दोस्तों, कुमार फर्स्ट इन्फो में करता हूँ आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त महेश कुमार। जैसा आपको पता है, मैं हमेशा नए टॉपिक्स की वीडियो लेके आता हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है लैपटॉप पे। आज मैंने जो नया लैपटॉप परचेज किया उसके बारे में बात करूंगा, और इसी वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप भी स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या फिर हमें गेमिंग करते हो या एडिटिंग करते हो, तो आपको किस तरह का लैपटॉप लेना चाहिए। इस वीडियो में होने वाले सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और जानते हैं कि आपको लैपटॉप लेते समय या लैपटॉप परचेज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए करते हैं इस वीडियो को शुरू। सो दोस्तों, मैंने जो यहाँ पर लैपटॉप परचेज किया है वो है Asus का Vivo 15 Pro। जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए दोस्तों, इस बॉक्स को मैंने अनबॉक्स कर लिया है, सारी चीजें बाहर निकालते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको देखते हैं कि ये कुछ ब्रांडिंग मटेरियल्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर है कुछ ऐसे स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे स्टिकर अंदर जो आप अपने लैपटॉप पे लगा सकते हो या कहीं पर भी आप लगाना चाहो। तो ये तो चलो इसको कर देते हैं साइड में, ये इतनी कोई खास चीज नहीं है। ये है इसकी Vivo 15 Pro जो है, उसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलती है OLED डिस्प्ले मिलती है, जो काफी ज्यादा ब्राइट और क्लियर है, जिसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इसी OLED डिस्प्ले को यहाँ पर दिए गए 5 रीजन टू चूज दिस OLED AMOLED, जो भी Asus का जो लैपटॉप है उसे क्यों चूज किया जाए, जिसका बताया गया 100% आपको कलर नेचुरल कलर मिलते हैं, हार्मफुल अगर आप लॉन्ग टाइम तो लैपटॉप यूज करते हो तो आपको पे, ये सारी चीजें इस पे कवर की। 1 लाख रेशियो 1 का इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, यानी कि एक कलर को 1 लाख तरह के डिफरेंट शेड में बता सकता है। तो इसकी कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई इस बुक्स के अंदर, आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये बुक्स है, इसको मैं साइड में रखता हूँ और अब फाइनली मैं निकालता हूँ अपना जो मैन जो है लैपटॉप किस तरह का कलर लिया है। मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर लिया है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। पहले मैंने इसे ओपन कर लिया था वैसे, ठीक है। तो ये मैं रख देता हूँ साइड में। तो ये है कुछ इस तरह का लैपटॉप। तो दोस्तों ये कैसा लगा, इसके कुछ की हाईलाइट फीचर यहाँ पर ही ऊपर दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं जो इसके OLED डिस्प्ले के बारे में है। तो मैन जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दी गई है, लैपटॉप सारे आते हैं लेकिन OLED डिस्प्ले वाले लैपटॉप बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको OLED डिस्प्ले दी गई है, इसे ओपन कर लेता हूँ। बहुत ही ज्यादा स्लिम लैपटॉप है ये, देखिए बहुत ही सुंदर। और इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। काफी सारी चीजें फैन ऑन है इस वजह से उड़ रहा है। तो इस तरह का कुछ लैपटॉप दिखता है, काफी ज्यादा स्लिम थिक है। और इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें आपको 16 GB की रैम देखने को मिलेगी और 4 GB का एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको 512 GB की रैम भी देखने मिलेगी। अब क्या रीजन है इसे परचेस करने का, बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएंगे जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आते हैं। तो इसका रीजन परचेज करने का रीजन मेरा जो था, मैं आपको अपना रीजन बता देता हूँ। एक फर्स्ट, काफी ज्यादा लाइट है, जो उस तरह के जो गेमिंग प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं काफी ज्यादा हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं, उसे कैरी करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। काफी ज्यादा लाइट है और बहुत ज्यादा स्लिम है, तो इसे मैं अपने बैग में काफी अच्छे से कैरी कर सकता हूँ। दूसरा, मैं एडिटिंग करना भी पसंद करता हूँ, गेमिंग में इतना नहीं खेलता, तो मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था एक एडिशनल जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ चाहिए था। तो इसमें मुझे एक ग्राफिक कार्ड भी मिल गया, और ग्राफिक कार्ड वाला आपको पता हमेशा लैपटॉप बहुत हैवी आता है, तो एक तो ये पर्पज हो गया। दूसरा, इसके अंदर आपको जो रैम देखने मिल रही है 16 GB की रैम देखने मिल रही है, जो इनफ है, आप काफी ज्यादा काम कर सकते हो। रैम का सिंपल सा अगर आप बताओ, जितनी ज्यादा रैम लोगे उतना बेनिफिट ये है कि जैसे एक टेबल है, टेबल जितना बड़ा, ये टेबल आप रैम मान लो, जितना ज्यादा बड़ा टेबल होगा उसमें काफी सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे यार बुक्स पड़ी है, लैपटॉप मेरा मोबाइल पड़ा है, ये पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है। अगर ये रैम जितनी बड़ी होगी मैं और ज्यादा चीजें रख सकता हूँ, यानी कि मल्टीटास्किंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो 16 GB की रैम है तो काफी ज्यादा मैं इसमें मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, मल्टीटास्किंग के रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें राइजन का 7 प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्रोसेसर रिलेटेड काफी सारी स्कोर रहती है, कौन सा ले, इंटेल का ले, राइजन का ले। तो देखिए, अगर आप प्रोसेसर को लेने जा रहे हो तो आप एक अपना बजट के हिसाब से चेक कीजिएगा कि आपके बजट में कौन सा प्रोसेसर बैठता है।
क्योंकि प्रोसेसर वहां पर ज्यादा मायने रखता है जब आप नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हो, या बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग कर रहे हो, या फिर आपका जो पर्पज है बहुत ज्यादा ऐसा है कि बहुत ज्यादा एक कंटिन्यू आपका लैपटॉप यूज होता है और हैवी यूज होता है, तो उसमें क्या रहता है कहीं ना कहीं उसमें बैटरी पे इफेक्ट होता है और आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है जिस तरह आप लॉन्ग टाइम उसे यूज करते हो। तो इसमें मैंने राइजन 7 लिया है, काफी अच्छा प्रोसेसर है राइजन 7 और इंटेल 7, सॉरी राइजन 7 और इंटेल के जो प्रोसेसर आते हैं उसमें अब ज्यादा कोई फर्क रहा नहीं है, डे बाई डे राइजन ने भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, तो राइजन 7 इसमें आपको देखने को मिलेगा। और बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर राइजन प्रोसेसर क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया टेबल आप एक रैम मानते हो, जितना ज्यादा बड़ा रैम या टेबल होगा उतने ज्यादा आप उस पर चीजें रख सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अब रैम क्या काम करता है, रैम वो काम करता है कि आप जब कोई भी काम करते हो तो कितना एफिशिएंसी से वो कर सकता है, तो वहां पर वो आपका जो प्रोसेसर होता है, सॉरी प्रोसेसर वहां पर कितने ज्यादा काम को करने में एफिशिएंस है वहां पर वो काम करता है, प्रोसेसर ही सारी चीजों को मैनेज करता है। तो ठीक है, ये तो रहा मेरा इस लैपटॉप को परचेज करने का रीजन। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ, बात बता दूं इसमें आपको जो पावर की है वहीं पे भी आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी कि जब आप इसमें फिंगरप्रिंट सपोर्ट भी दिया हुआ है तो ये काफी ज्यादा एक अच्छा एडवांटेज मिल रहा है कि आपको एक सफिशिएंट रेंज में एक अच्छा लैपटॉप मिल रहा है ओलेड डिस्प्ले के साथ, इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें एक क्रिएटर लैपटॉप है ये, यानी कि मैं अपनी सारी चीजें जो भी अपने डेली यूज की चीजें वो सब इसमें आराम से कर पाऊंगा। यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, देखिए काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है इसकी, मैंने ब्राइटनेस कम रखी और मैं बढ़ा सकता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसके डिस्प्ले का जलवा। तो मैन यही है कि इस तरह के लैपटॉप में जो नॉर्मली आपको इतनी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। साथ ही इसके अंदर आपको देखने को मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें, अब देखो मैंने पूरा टेबल फैला दिया है, तो यही चीज़ें रैम का सेम होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है तो कुछ चीज़ों को, जब रैम कम होती है तो कुछ चीज़ों को बंद करना पड़ता है। अब जैसे मुझे यहाँ पर, अभी यहाँ पर मेरे पास सफिशियंट स्पेस नहीं है तो मुझे कुछ चीज़ों को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, तो बंद करने के लिए ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैं लैपटॉप रख देता हूँ। सो साथ ही दोस्तों अगर बात करूँ इसके, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो क्रिएटर लैपटॉप है, तो क्रिएटर लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, हैवी प्रोसेसर मिलता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी रैम देखने को मिलती है, लेकिन उसी के साथ बता दूँ जितने हैवी लैपटॉप प्रोसेसिंग के होते हैं उसमें हीटिंग हमेशा इशू देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको दो जो कूलिंग फैन देखने को मिलेगा उसके बैक साइड में, जिससे आपकी ये हीटिंग प्रॉब्लम को काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं। साथ ही बता दूं उसके बैकलाइट आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिलेगी, जैसे मैं यहाँ पर ये ऑन करता हूँ तो यहाँ पर बैकलाइट में 3 लेवल की लाइट देखने को मिलेगी डार्क, तो यहाँ पर ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी कि बैकलाइट आपको देखने, जब आप कीबोर्ड लाइट में यूज कर रहे हो जहाँ पर अंधेरा है तो वहाँ पर आपको कीबोर्ड में भी आपको जो लाइट देखने को मिलती है जिससे आपको टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका लैपटॉप एक पावरफुल होता है, तो साथ ही इसमें आपको दिया गया है पावरफुल चार्जर। जी हाँ, इसमें आपको देखने को मिलता है 120 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग, यानी कि आपका जो लैपटॉप है बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर आपको इस चीज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि लैपटॉप को चार्ज करने में टाइम लग रहा है। ऑन द गो ट्रैवल में हो, कहीं पर भी आप रुके हो तो फटाफट इसको चार्ज कर सकते हो। ये कुछ आसूस के जो है एक्सपीरियंस प्रोडक्शन के लिए है, वारंटी कार्ड है और ये उसकी कुछ मेन्यू है जिसे आप पढ़ के, और कुछ उसके फीचर्स अगर आप देखना चाहो तो उसके बारे में कुछ लिखा है। ये इसकी ओवरऑल पैकिंग थी, इसके अंदर और कुछ क्या है, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, साइड में चार्जर था वो मैंने बाहर निकाल दिया है। अब बाकी इस तरह की ओवरऑल इसकी पैकिंग थी, द वीवो बुक प्लस एनवायरमेंट, यानी कि इसका जो ये बॉक्स बनाया गया है वो रिसाइकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे बनाया गया है, तो काफ़ी एनवायरमेंट का भी ध्यान रखता है वीवो, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब बात करते हैं उन चीजों की, मैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, वर्क करते हो, जॉब करते हो, या फिर क्रिएटर हो, या फिर एक गेमिंग हो, गेमर हो सॉरी, तो आपको किस तरह के लैपटॉप, अगर गेमर हो तो काफी ज्यादा गेमर को इसे नॉलेज होता है कि वो किस तरह के लैपटॉप लेने चाहिए। जो लैपटॉप जो आते हैं वो स्पेशली मैं आपको बता दूं, लैपटॉप जो आप कभी भी आप परचेज करने जाओ लैपटॉप, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि लैपटॉप के पीछे एक सीरीज के पीछे यू पी ये इस तरह से लिखा होता है, एच एच एक्स एच एक्स या एच एस लिखा होता है, तो हमेशा यहाँ रखना अगर आप एक स्टूडेंट हो, 11 12 में पढ़ रहे हो, आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मल अपने असाइनमेंट के रिलेटेड काम करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो आपको है ना पी या यू जो सीरीज वाले जो सीरीज के पीछे जाता है वो वाला आप लैपटॉप ले सकते हो, उसमें आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी और आपकी जो डे टू डेली लाइफ की जो पर्पज़ है वो उसमें क्लियर हो जाएगा, ये एक नॉर्मल यूजेज के लिए एक बेसिक कह सकते हैं वो आपके सारे काम कर लेगा। लेकिन अगर आप
एक नेक्स्ट लेवल है आपको जाना है, आपको गेमिंग करना भी पसंद है, आपको थोड़ा एडिटिंग और इस तरह से जाना है, तो आपको HS और फिर HX सीरीज के लैपटॉप में जाना होगा। ये सीरीज जो होते हैं काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस जो होते हैं प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो हर तरह की चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप HX सीरीज के लेते हो तो HS सीरीज या S सीरीज के लैपटॉप के साथ हमेशा एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलता है, जो 4 GB या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो उस चीजों में ध्यान रखो, अगर आप गेमिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, बहुत सारी फ्रेमिंग करनी है आपको, या हैवी जैसे अगर आप कोई इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंस आपको प्रोसेसर चाहिए, तो वहां पर आपको ग्राफिक कार्ड की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप ग्राफिक कार्ड की सपोर्ट लेके आप अपने काम को बहुत ज्यादा स्मूथ बना सकते हो, आपको वो लैगिंग देखने को मिलेगी, फ्रेम ड्रॉप नहीं होगी, तो वहां पर वो आपको चीज सपोर्ट करेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपका बजट 30,000 से 40,000 के बीच में है, तो आप पी या यू जो सीरीज के पीछे जो उसका सीरियल नंबर आता है उसके पीछे देख लें, पी या यू लिखा हुआ है, 30,000 से 35,000 40,000 के बीच में आपको इस सीरीज के लैपटॉप मिल जाएंगे, जो कि i3 सीरीज या राइजन 5 या राइजन 3 के मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए एफिशिएंस रहेंगे। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, SSD में भी 3 जनरेशन अलग अलग जनरेशन आती है, जैसे जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, सबसे जो बेस्ट होता है वो है जनरेशन 5। कोशिश करें अगर आप हाई, अगर आपका बजट 1,80,000 से 70,000 से ज्यादा है, तो आप अगर इस रेंज में अगर लैपटॉप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको जनरेशन 4 या 5 जनरेशन की SSD मिल जाए, जिससे आपकी जो ट्रांसफर स्पीड होगी डेटा की वो बहुत ज्यादा स्मूथ और फास्ट होने वाली है। आप जब क्लिक करेंगे किसी भी फोल्डर पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब ओपन हुआ कब क्लोज हो गया, तो इसका ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये था मेरा आज का, जो मैंने जो न्यू लैपटॉप परचेज किया है उसका ये अनबॉक्सिंग और कुछ नॉलेजेबल वीडियोस, नॉलेज जिससे आप अपने अपकमिंग जब भी आपको लैपटॉप परचेज करना चाहे या आपको सोच रहे हो तो उसकी आपको हेल्प मिले। और साथ ही मैं यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ लैपटॉप की लिंक दे दूंगा, जो कि 30,000 से 35,000 जो यू और पी सीरीज के होगी, जो स्टूडेंट के लिए होगे, और बेस्ट जो अभी डिस्काउंट में चल रहे हैं वीवो आसूस के या फिर और भी कोई, जो कि गेमिंग सीरीज को HHS और HX सीरीज के, जिससे आपको परचेज करने में हेल्प मिले, या फिर एक बार आप जाके देख सकते हो कि उसमें क्या क्या वेरिएंट है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा हर जो भी मैं बेनिफिट वाले होंगे, जिसपे कैशबैक मिल रहा हो या फिर जिसपे अभी जैसे मैंने इसे परचेज किया आसूस का वीवो 15 प्रो OLED वाला, तो इस पर मुझे 10,000 तक का बेनिफिट मिल गया है। नॉर्मली अगर आप इसे क्रोमा या ऑल ऑफलाइन स्टोर से खरीदते हो तो 73,000 का ये लैपटॉप पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिला। इसी तरह के मैं जो भी बेनिफिट की लिंक होंगे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा और लिंक लैपटॉप को एक बार लिंक जो है उसी का ओपन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लैपटॉप की और रेंज समझ में आए कि आपको कौन सा रेंज का लेना है, और अगर कुछ बेनिफिट हो तो उसका आप बेनिफिट उठा सको। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए कुमार फर्स्ट इन्फो को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है, जो अपनी आईडी है, वो भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कोई बात करना चाहते हो तो मैं अपनी कुमार फर्स्ट इन्फो जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट आप जाकर सर्च कर सकते हो, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और आपका कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।